बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम उर्दू कवायद का उन्वान हुरूफ तोड़िए पढ़ेंगे। आइए अल्फाज को हुरूफ में तोड़ कर लिखना सीखते हैं। ये एक झंडा है। आइए लफ्ज़ झंडा के हुरूफ तोड़ कर लिखते हैं। सबसे पहले है भारी हर्फ झ। इसके बाद ये नून की आधी शक्ल है, तो अगला हर्फ है नून। फिर डाल और आखिर में अलिफ। लफ्ज़ झंडा के हुरूफ जब हमने तोड़ कर लिखे तो कौन से हुरूफ मिले? झ, नून, डाल, अलिफ। चलिए अगली तस्वीर और लफ्ज़ देखते हैं। ये किताब है और किताब कैसे लिखते हैं? जी ऐसे। अब लफ्ज़ किताब के हुरूफ तोड़ कर लिखते हैं। पहला हर्फ है काफ, दूसरा हर्फ ते, फिर अलिफ और आखिर में बे। काफ ते अलिफ बे मिलकर बनते हैं लफ्ज़ किताब। अगला लफ्ज़ है चांद। आइए लफ्ज़ चांद के हुरूफ तोड़ कर लिखते हैं। ये चे की आधी शक्ल है, तो पहला हर्फ होगा चे, फिर अलिफ, अब नून की आधी शक्ल है तो अगला हर्फ होगा नून और आखिर में दाल। चे अलिफ नून दाल चांद। अगला लफ्ज़ पढ़िए शाबाश। अगला लफ्ज़ है तोते। चलिए अब इस लफ्ज़ को तोड़कर उसके हुरूफ अलग अलग करके लिखते हैं। तोए वाओ, तोए बड़िए, तोते। अगला लफ्ज़ क्या है? जी हाँ, मछली। लफ्ज़ मछली के हुरूफ तोड़कर लिखते हैं। पहला हर्फ मीम की आधी शक्ल है, तो पहला हर्फ होगा मीम, फिर भारी हर्फ छ, उसके बाद लाम की आधी शक्ल है, तो अगला हर्फ होगा लाम और आखिर में छोटी ये। ये तमाम हुरूफ मिलकर बनते हैं लफ्ज़ मछली। उम्मीद है बच्चों कि आपको अल्फाज के हुरूफ तोड़ना अच्छी तरह आ गए होंगे। अब आप बड़े से बड़े अल्फाज के हुरूफ आसानी से तोड़कर लिख सकेंगे। शुक्रिया।